तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बनाने वाले एक फोम कटर। ये हमने कुछ ऐसा ही बना के आपको दिखाने के लिए बनाया है। तो हम आपको एक आपके सामने बताएंगे कुछ मेकिंग। तो चलते इसकी मेकिंग पर। तो फ्रेंड्स, इसमें इस चीज़ को बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए होंगे तो आपको बता देता हूँ। ये कुछ वुड की लकड़ियाँ हैं कुछ। तो आप इसकी जगह साइकिल स्पून भी ले सकते हो, और ये सीजर, ये कुछ ये टेप ले सकते हो, और ये ओल्ड बैटरी आपको कहीं भी मिल जाएगी कबाड़ की दुकान में, और ये USB है, और ये कुछ हेवी वायर लेना है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये हीट होगा इसलिए आपको हेवी वायर लेना है। और हम इसे पावर बैंक से चलाने वाले हैं, और ये है आपका हीटिंग एलिमेंट का तार है जो। तो फ्रेंड्स, आपको बनाने के लिए आपको एक ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ग्लू गन यहाँ पे लगा लेनी है थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ, और आपको बस इसको ना अटकाने के लिए ही लगानी है, क्योंकि इसमें अपन को ब्लैक टेप जो होती है इलेक्ट्रॉनिक टेप, ये इसको भी लगानी है, इसलिए हमको थोड़ी अच्छे कम ही लगानी पड़ेगी इनको। और हम इसको सूखने के बाद बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है सूख चुकी है, और मैं इस पर थोड़ी टेप लगा दूंगा और लगाने के बाद बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पर थोड़ी टेप लगा के इसको थोड़ी ग्लू गन से अच्छे कर दिया है। और आपको मैं बता दूं कि आपको इसमें हेवी तार ही यूज़ करने, नहीं तो आपके जो है तार वो जल भी सकते हैं और आग भी लग सकती है। और मैं आपको ना इस पर कुछ इस तरीके से लगाने के बाद बताता हूँ कैसे। फ्रेंड्स, हमने एक वायर कुछ इस तरीके से लगा लिया है, आपको भी इसी तरीके से लगाना, आप देख सकते हैं अच्छे से लगाए। और आपको ये देख सकते हैं, एक बार और बता दूं, मैं आपको हेवी वायर लेना है, और आपको इसमें फटाफट से ये दूसरा वायर भी लगा के दिखा दे। तो फ्रेंड्स, हमने जो है इसको भी इस तरीके से लगा लिया है, और अब जो है हमारा ये निक्रोम वायर जो कि इस्त्री में से निकलता है प्रेस में से, अब उसको हम इसमें टाइटली लगा देंगे। आपको पहले नाप लेना, उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है, हमें इसमें इतना सा ही बड़ा लगाना है, और आपको हम बता देंगे किस तरीके से लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमने इसमें निक्रोम वायर लगा दिया है, और इसमें हमें ये जो USB पोर्ट है इसको ना पूरा मतलब इसमें कनेक्ट करना है, और ये वायर आपको लंबे रखना है, नहीं तो आपके जो वायर वो जल सकते हैं। मैं आपको जल्दी से लगा के बता दे। तो फ्रेंड्स, हमने जो है यहाँ पे कुछ कर दिया, तो आपको यहाँ पे ब्लैक टेप लगा देनी है जिससे कि अपने जो वायर ना साथ में चिपक ना जाए। मैं इसमें जल्दी से लगा देता हूँ, और आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि प्लस माइनस नहीं होता है, तो आपको लगा सकते हो। और अगर इसका ज़्यादा यूज़ करता है तो उसको पता होगा कि इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप इसको गिठान खोल के आपको बता देता हूँ कैसे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसकी टेस्टिंग पर। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत इसमें यूज़ करके देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम इसको पावर बैंक से चलाने वाले, पावर बैंक से इसकी मतलब पावर जो है बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा कि इतनी बढ़िया चलती है। और ये मैंने चलाया तो बिल्कुल लाल हॉट हो रखी थी, और मैं इसको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा अब आपको। ये टेस्टिंग के लिए चालू कर दिया मैंने, और देख सकते हैं आप अच्छे से इसकी बिल्कुल लाल हॉट हो रखी है ये। अब मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं ये कितना मोटा है, फिर भी इतनी आसानी से कट जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इतना धुआं स्मोक निकल रहा है इसमें से, आप देख सकते हैं स्मोक, और एकदम लाल हो रखा है एकदम, ये देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ये देख सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं, मैं लिख के बताता हूँ आपको, टी। ये देख सकते हैं आप, हमारा स्ट्रक्चर जो है बन चुका है, अच्छे से बन चुका है। वो क्या, हमारा हाथ थोड़ा हिल रहा था इसलिए अच्छे से नहीं बना। अगर आप इसको, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।